भोपाल में आशा कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाने सहित अपनी कई मांगों को लेकर दो दिनों से मुख्यमंत्री निवास के पास पॉलिटेक्निक चौराहे पर डटी थी। छोटे छोटे बच्चों के साथ आई आशा और उषा कार्यकर्ता रात में सड़क पर ही सोई। बुधवार सुबह एक आशा कार्यकर्ता पास के मोबाइल टावर पर चढ़ गई। उसे उतारने के लिए कुछ महिला पुलिसकर्मी भी टावर पर चढ़ी, लेकिन महिला को संभाल नहीं पाई। काफी ऊंचाई से आशा कार्यकर्ता और महिला पुलिसकर्मी गिर पड़ी, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपनी साथी के गिरने से आक्रोशित अन्य आशा कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों की पिटाई भी कर दी। वहीं इस मामले पर कांग्रेस आशा कार्यकर्ताओं के पक्ष में उतर आई है। कांग्रेस मीडिया समन्वयक का कहना है कि जिन आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी, उनके साथ इस तरह संवेदनहीन व्यवहार किया जा रहा है। शिवराज सरकार की पुलिस बगैर सुरक्षा इंतजाम किए टावर के ऊपर चढ़ी उसको उतारने के लिए, लेकिन कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किया गया, जिसके कारण मैं तो आरोप लगाता हूँ कि पुलिस ने शायद उसको धक्का दिया और वो महिला कार्यकर्ता जमीन पे गिर गई और आज गंभीर रूप से घायल है। इतनी असंवेदनशील सरकार है, कोई जिम्मेदार अधिकारी मंत्री मौके पे अभी तक नहीं पहुँचा और एक महिला आशा कार्यकर्ता जो भूख प्यास से तड़प रही थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई है, सिर्फ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में नाकामी के कारण, लापरवाही के कारण। ऐसे पुलिस के जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर तो हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।